आज के समय में पुरुषों के अंदर तरह तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं, जिसमें ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा शारीरिक कमजोरी और दूसरी दिक्कतें भी आती हैं, और इसे ठीक करने के लिए हम लगभग एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि ऐसी किसी भी समस्या को सही करने के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करें, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन फायदा तो करती हैं, लेकिन उस हिसाब से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। और आज के वीडियो में मैं ऐसी ही एक मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, जो हिमालय की तरफ से आती है। एक्चुअली आज के वीडियो में दोस्तों हमारे पास है हिमालय की तरफ से आने वाली कॉर्नफिडो टैबलेट, जो कि इस सभी समस्या के लिए यूज में आती है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस टैबलेट के बारे में कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, किन किन बीमारियों में यूज़ किया जा सकता है। कई बार लोगों को पता होता है कि केवल ये ईडी के लिए यूज़ होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम इसके इन्ग्रीडियंट के आधार पर देखेंगे। इसके अलावा इसकी प्राइस क्या होती है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हिमालय की तरफ से आने वाले कॉर्नफिडो टैबलेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इसकी हम लोग प्राइस जान लेते हैं कि मार्केट में इसकी प्राइस करीब करीब होती है 140 रुपये, यानी MRP 140 रुपये होती है। तो उसी के आसपास ये टैबलेट आपको मिल जाएगी। ये 140 रुपये जो इसकी MRP है, इसकी 60 टैबलेट्स के लिए होती है, जो इसकी एक पैकिंग आती है 60 टैबलेट्स की। अब अगर हम बात करें इसके इन्ग्रेडियंट के बारे में, तो इसमें मुख्य रूप से गोखरू, बिधारा, जीवंती, अश्वगंधा और कौंच होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चार पांच चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल होती हैं। एक एक करके हम सबका काम जानते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कॉर्नफिडो टैबलेट कहाँ पे यूज़ होती है। दोस्तों इसमें गोखरू जो है वो लिबिडो को तेज करती है, यानी कामिच्छा को बढ़ाती है, साथ में पेनिस के अंदर में उत्तेजना लेके आती है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है। इसके अलावा इसमें वृद्ध दारू या बिधारा होता है, जो लिबिडो को बढ़ाने का काम तो करता है, यानी कामिच्छा को बढ़ाने का तो काम करता है। इसके अलावा ये सीमेन का निर्माण भी करता है, उसके उत्पादन में सुधार करता है, और जो दूसरे यौन विकार होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है। वहीं जीवंती एक प्रकार का की जड़ी बूटी है, जो लिबिडो को तो बढ़ाती है, यानी कामिच्छा को बढ़ाती है, साथ साथ में दोस्तों ये जड़ी बूटी आपके शरीर की प्रतिरक्षा को भी बढ़ाती है, यानी कि अगर आप ये टैबलेट लेते हो तो आपकी प्रतिरक्षा भी मजबूत होती है, इम्यूनिटी सुधरती है, जिससे छोटी छोटी बीमारियां नहीं होती हैं। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा होता है, जो कि ऐसे पदार्थों को ख़त्म करता है जो स्ट्रेस के टाइम पर बनते हैं, यानी कि ऐसे पुरुष जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनमें ऐसे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं जो उनके बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं अश्वगंधा। इसके अलावा कामेच्छा को, यौन इच्छाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ में ये प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं और उसे सुधारते हैं, यानी ये भी इम्यूनिटी को सुधारने का काम करते हैं। वहीं दोस्तों इसमें कौंच होता है, जैसे कपी कच्छू भी कहा जाता है, ये भी एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है, कौंच बीज जिसको बोलते हैं। कौंच बीज जो है वो शरीर के अंदर में ऑक्सीजन के जो मुक्त कण होते हैं, कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर को डिजनरेट होने से बचाते हैं। इसके अलावा लिबिडो को बढ़ाने का काम करते हैं, कामेच्छा को बढ़ाने का काम करते हैं, तंत्रिकाओं को ठीक करते हैं, तंत्रिकाओं को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा सीमेन यानी वीर्य के संश्लेषण में सहायता करते हैं और उसे गाढ़ा करते हैं, स्पर्म का काउंट बढ़ाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये इसमें पांच ऐसी चीज़ें मुख्य रूप से मिलाई गई हैं जो इम्यूनिटी को तेज करती है, कामेच्छा को बढ़ाती हैं, इसके अलावा इस सीमेन बनाती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करवाती हैं, न्यूरॉन्स और नसों को अच्छा रखती है, होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि आपके आपके बॉडी के अंदर में जो भी चीज़ जैसे है उसको वैसे ही रखना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने काम जान लिया है, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सभी क्या काम करते हैं उसी के आधार पर इसका काम होगा। लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो अभी तक मेडिकल हिस्ट्री में इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने देखे नहीं गए हैं, तो ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी डोज क्या होती है, तो इसकी एक टैबलेट हल्का गुनगुने पानी के साथ में लेने की सलाह दी जाती है। एक गिलास पानी के साथ में आप इसे ले सकते हैं। कई बार इसे सुबह और शाम लेने की सलाह देते हैं और कई बार इसे केवल एक टाइम लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या ये टैबलेट, आयुर्वेदिक टैबलेट, महिलाएँ खा सकती हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये टैबलेट महिलाओं के लिए नहीं होती है, केवल पुरुषों के लिए होती है। यानी हिमालया कॉन्फिडो टैबलेट्स जो हैं, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो केवल पुरुषों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, महिलाओं में इसका कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ेगा, इस वजह से इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया हिमालय की तरफ से आने वाला कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।